हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियलमी C1 और ऑनर 9N। तो इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों मोबाइल्स का कंपैरिजन और मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अगर आप एक मोबाइल ख़रीदने की सोच रहे हैं 8 से 10 हज़ार के आसपास, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो रियलमी C1 आपको मिलता है कुछ इस तरीके से बॉक्स में। इसके ऊपर आपको MRP मिलती है 8,990 रुपये की। ये आपको फ्लिपकार्ट 7,500 के आसपास मिल जाएगा और स्पेसिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं बॉक्स के ऊपर। इसके अलावा दूसरी तरफ है ऑनर 9N, ये आपको मिलता है 10,000 के आसपास। इसको आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं 10,000 का। बाकी बैक साइड से बॉक्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो MRP आपको मिलती है बॉक्स के ऊपर वो है 13,999 रुपये की और बॉक्स कुछ आपको इस तरीके से मिल जाता है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको MRP मिल जाती है 13,999 रुपये की। तो इसका रेट जो है कम हो चुका है, अब 10,000 का आपको ये मिल जाता है। बाकी बॉक्स कुछ इस तरीके के लुक में मिल जाता है। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं दोनों मोबाइल्स को बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले C1 को जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है उसके अंदर आपको एक मिनी बॉक्स कुछ इस तरीके से। पीछे सिम इजेक्टर टूल बना हुआ है और अंदर की तरफ लगा हुआ मिल जाता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल। और इसके अलावा अंदर आपको मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल और एक काफ़ी हार्ड अच्छी क्वालिटी का केस। तो ट्रांसपेरेंट केस आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है ये। इसके अलावा इसी के ठीक नीचे रखा हुआ मिल जाता है आपको मोबाइल। तो मोबाइल आता है एक रैपर में, इसका डिटेल लुक अभी देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या मिल जाता है। तो इसके अलावा आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर एक चार्जर, काफ़ी बड़ा चार्जर है लेकिन इसके साथ आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। 5W 1A का आउटपुट मिलता है और ब्रांडिंग आपको मिलती है इसके ऊपर ओप्पो की। इसी के ठीक नीचे रखी हुई मिल जाती है आपको डेटा केबल, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल मिल जाती है लेकिन इसके साथ मिलती है USB 2 Micro USB केबल। टाइप सी केबल इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलती है। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं ऑनर 9N को। तो जैसे ही आप इस मोबाइल को अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है आपको मोबाइल एक रैपर के अंदर। इस मोबाइल का रेट जो है 2,500 रुपये महंगा है C1 से। बाकी इसके अंदर रखा हुआ मिल जाता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल कुछ इस तरीके से लगा हुआ बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल और एक मिल जाता है आपको ट्रांसपेरेंट केस। लेकिन इसके साथ जो आपको ट्रांसपेरेंट केस मिलता है काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश लुक में मिलता है, और एक मिल जाती है इसके साथ रखी हुई एक डेटा केबल। डेटा केबल की लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है और इस मोबाइल के साथ भी आपको USB 2 Micro USB केबल ही मिलती है। टाइप सी केबल इस मोबाइल के साथ भी आपको नहीं मिलती है। तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती है, ये दोनों मोबाइल्स के अंदर कमी है। बाकी एक मिल जाता है आपको चार्जर बॉक्स के अंदर रखा हुआ, हुआवे की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। इसमें आउटपुट आपको मिलता है 5W 2A का। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको चार्जर मिल जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको चार्जर मिल जाता है, चार्जिंग के अंदर आपको ज़्यादा कम टाइम लगेगा C1 के कंपैरिजन में। चलिए अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोनों ही मोबाइल्स के डिज़ाइन आपको मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार। आप देख सकते हैं ग्लॉसी लुक के अंदर आपको दोनों मोबाइल्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं, बिल्कुल शीशे की तरह मिरर टाइप व्यू आपको मिल जाता है बैक साइड पर। 13+2 MP का डुअल कैमरा मिल जाता है 7,500 रुपये में C1 के अंदर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। कम प्राइस के अंदर आपको डुअल कैमरा मिल जाता है इस मोबाइल में। इसके अलावा ऑनर 9N के अंदर भी आपको मिलता है डुअल कैमरा 13+2 MP का ही। तो दोनों मोबाइल्स में आपको 13+2 MP के कैमराज मिल जाते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है ऑनर 9N में, क्योंकि उसका रेट है 10,000 रुपये और C1 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। तो 2,500 रुपये कम होने की वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है रियलमी C1 के अंदर। इसके अलावा दोनों मोबाइल्स में नीचे की तरफ मिल जाती है आपको रियलमी और ऑनर की ब्रांडिंग। दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है डिस्प्ले नॉच वाली, 6.2 इंचेस की डिस्प्ले आपको मिलती है C1 के अंदर, और ऑनर 9N में मिलती है आपको 5.84 इंचेस की डिस्प्ले। तो आपको काफ़ी अच्छे साइज़ में डिस्प्ले मिल जाती है कम रेट के अंदर रियलमी C1 के अंदर। और जब ये दोनों मोबाइल्स ऑन होते हैं कुछ इस तरीके से आपको ऑनर लिखा हुआ मिल जाता है और रियलमी लिखा हुआ मिल जाता है दोनों मोबाइल्स के अंदर। इसके अलावा बड़ी नॉच आपको देखने को मिलती है C1 में और एक छोटी नॉच आपको देखने को मिलती है ऑनर 9N के अंदर। 5 MP का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है C1 में और 16 MP का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 9N में। तो काफ़ी बढ़िया कैमरा आपको 9N में मिल जाता है प्राइस में चेंज होने की वजह से। बाकी करीब से आप डिस्प्ले देख सकते हैं किस मोबाइल की कैसी लग रही है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो C1 में आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, आप देख सकते हैं बेजल्स आपको और ज़्यादा छोटे मिल जाते हैं ऑनर 9N के कंपैरिजन में, एजेस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो डिस्प्ले के मामले में C1 जो है प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है,
लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो आपको सिम की ट्रे मिल जाती है। C1 के अंदर एक चीज़ बढ़िया है, आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीन चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। ऑनर 9N में आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीन चीज़ें एक साथ नहीं लगा सकते। इसके अलावा C1 के अंदर आप दो जियो के सिम 4G के एक साथ चला सकते हैं और ऑनर 9N में नहीं चला सकते, तो ये चीज़ C1 के अंदर ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस मोबाइल का ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और 4230 mAh की बैटरी आपको मिलती है C1 के अंदर, 3000 mAh की बैटरी मिलती है आपको ऑनर 9N के अंदर, तो ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है C1 के अंदर। 150 ग्राम के आसपास वेट है ऑनर 9N का, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको हैंडी मोबाइल मिल जाता है ऑनर 9N। अगर आपको एक हैंडी मोबाइल चाहिए तो 9N काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला मोबाइल चाहिए तो C1 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले साइज़ मिल जाता है और रेट भी इसके अंदर काफ़ी कम मिल जाता है आपको। प्लस बैटरी बैकअप भी काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है C1 के अंदर प्राइस के हिसाब से। 9N में आपको मिलती है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, और 7500 रुपये में C1 में आपको मिलती है 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज। चलिए चलते हैं सेटिंग्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी इंटरनल स्टोरेज आपको फ्री मिलती है। तो 16GB में से आपको C1 में मिलती है 7.75GB के आसपास, और ऑनर 9N में आपको 32GB में से 22-23GB के आसपास फ्री मिलती है। तो इतनी इंटरनल स्टोरेज आपको फ्री मिलती है इनकी इंटरनल स्टोरेज में से। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन ओरियो 8.1 आपको मिल जाता है C1 के अंदर, और ओरियो 8.0 वर्जन आपको मिलता है ऑनर 9N के अंदर। इसके अलावा C1 के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस चीज़ में करना पड़ेगा, रीसेंट एप्लीकेशन की जो विंडोज़ होती हैं आप देख सकते हैं छोटे छोटे आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉपर रीसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। क्रीन 659 आपको प्रोसेसर मिलता है ऑनर 9N में, और स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर आपको मिल जाता है C1 के अंदर। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है ये आपकी ट्रस्ट के ऊपर, आपको किस ब्रांड के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, आपको ऑनर के ऊपर ट्रस्ट है या फिर आपको रियलमी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है। इसके अलावा आपकी ज़रूरत किस चीज़ की है, देखिए अगर आपकी बड़ी डिस्प्ले की ज़रूरत है, आपका बजट कम है, तो ऑब्वियसली आपके लिए सबसे बढ़िया इसमें C1 ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे साइज़ की डिस्प्ले मिल जाती है। अगर दूसरी चीज़ आपकी अगर ज़रूरत है बैटरी की, तो उस केस के अंदर भी आपके लिए C1 ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, 4230 mAh की बैटरी है। दूसरी साइड पर अगर आपकी कैमरे की ज़रूरत है, तो इन दोनों मोबाइल्स में मुझे कैमरा जो ज़्यादा बेटर लगा वह ऑनर 9N का लगा। इसके अलावा अगर आपको एक हैंडी मोबाइल चाहिए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ऑनर 9N रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, छोटा होने की वजह से, डिस्प्ले साइज़ कम होने की वजह से आपको ये काफ़ी हैंडी मिल जाता है। डिज़ाइन तो इन दोनों ही मोबाइल्स का काफ़ी बढ़िया है, अब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है किस मोबाइल का डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर लगा। हर एक चीज़ को देखते हुए प्राइस के हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर जो लगा इन दोनों मोबाइल्स में रियलमी C1 लगा। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे। और अगर आप C1 खरीदने की सोच रहे हैं, इसके अलावा ये ब्लू कलर के अंदर भी आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लू कलर ना लेके ब्लैक कलर ही परचेस करिएगा, क्योंकि ब्लैक कलर इसका ज़्यादा बढ़िया लग रहा है हाथ में लेने के बाद। पर्सनली मैंने दोनों कलर देखे हैं तो ब्लैक कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके अलावा अगर आपको इन दोनों मोबाइल्स में से किसी का भी कंपेरिजन देखना है किसी और मोबाइल के साथ, तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, स्पीड टेस्ट या फिर कंपेरिजन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।